हिमाचल प्रदेश में 1972 में लाया गया भूमि मुजाहरा अधिनियम पहले भी तर्कसंगत था और आज भी है, और इसका जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 ए से ना तो कोई सरोकार है और ना ही इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा नियम 62 के तहत धारा 118 पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कही। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत धारा 118 पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हिमाचल प्रदेश में 1972 के भूमि मुजाहरा कानून की धारा 118 पर छूट देने संबंधी अटकलों पर चिंता जताते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार और हिमाचल प्रदेश निर्माता यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल के गरीब और भोले भाले किसानों को बाहरी राज्यों के धनाढ्य लोगों के चंगुल में फंसकर अपनी जमीन बेचने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाया था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 और 35 ए के बाद कुछ राजनीतिज्ञ हिमाचल में धारा 118 में भी छूट देने या इसे निरस्त करने की बात कर रहे हैं, जो कि प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए चिंता का विषय है और किसी भी हालत में इस महत्वपूर्ण धारा में छूट नहीं दी जानी चाहिए। विधानसभा में ये बात रखी कि मुख्यमंत्री सदन में ये हमको आश्वासन दे कि इसमें कोई भी जो है डाइल्यूशन नहीं किया जाएगा, और अगर कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा भी आता है तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग एक आवाज में बोले कि इस पर कोई भी कभी भी कोई भी इसमें डाइल्यूशन हम सहन नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो यूनिलैटरली जो ये कानून जो है देश में लाया गया और जम्मू कश्मीर को जो है यूनिलैटरली ये चीज किया गया बिना जो है विधानसभा के स्वीकृति के, जो हमारा आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात साफ करी गई है कि कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेट का होता है तो वहाँ की लेजिस्लेचर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ की सरकार को उसमें ज़रूर पूछा जाना चाहिए। तो कल को ये चीज़ यहाँ पे ना हो, एक आशंका थी, उस पर हमने मुख्यमंत्री जी का और सरकार का जो है उस पर जवाब मांगा है, उन्होंने हमको जवाब दिया है, उससे हम संतुष्ट हैं। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 ए का मामला और हिमाचल प्रदेश की धारा 118 का मामला पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कहा कि प्रावधान हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, जो कि आज भी उतना ही तर्कसंगत है जितना उस समय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग इन्वेस्टर मीट को लेकर आयोजित रोड शो की सफलता से बौखलाहट में मनगढ़ंत अटकलें लगा रहे हैं और पूरे प्रदेश में आशंका की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि धारा 118 में छूट देने या इसे निरस्त करने का किसी भी हालत में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार प्रदेश और प्रदेश की जनता के हित के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 1061 मामलों में धारा 118 में अनुमति दी, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने अब तक केवल 500 निवेशकों को ही अनुमति दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार 118 में कोई संशोधन नहीं कर रही और 1976 से 2014 तक कई बार संशोधन किए गए और इस दौरान राज्य में कांग्रेस की ही सरकार सत्तासीन थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कुछ नेताओं ने 118 में छूट यानी रद्द करने को लेकर संसद में अपने बयान अवश्य दिए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से आधारहीन हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की 118 को बदलने की कोई मंशा नहीं है और ना ही इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।